वनागर के ग्राम सलैया में बीते दिनों नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन जब शव की शिनाख्त नहीं हुई तो शव को लावारिस समझकर दफना दिया गया। शव की पहचान होने पर शव को जमीन से बाहर निकलवाया गया और उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। हालांकि मृतक के परिजनों ने उसकी मौत को लेकर शंका जाहिर करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पनागर के ग्राम सलैया में बीते दिनों नहर में एक व्यक्ति का शव मिला था। शव की शिनाख्त ना होने की वजह से पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया था। सोमवार को परिजनों ने कपड़ों और फोटो के आधार पर मृतक की पहचान आधारताल निवासी मुन्ना यादव के रूप में की, जिसके बाद मुन्ना के शव को जमीन से बाहर निकालने की कार्रवाई करते हुए शव परिजनों को सौंपा गया। हालांकि मृतक मुन्ना के परिजनों ने उसकी मृत्यु को लेकर शंका जाहिर की है। मृतक के भाई मंजीत यादव ने बताया कि उनका भाई रिछाई की मिल में काम करता था और मिल से वापस घर नहीं लौटा था। उसकी गुमशुदगी की शिकायत आधारताल थाने में दर्ज कराई गई थी। ये गुरुवार को कंपनी गएंगे 24 तारीख को, और उस दिन से घर से लापता है। इसकी हम लोग कंप्लेन आधारताल थाने में कराई थी 25 तारीख को, और हम लोग ने 26 तारीख को जाके वहाँ मतलब पूछा कंपनी में भी, तो वहाँ से हम लोग के साथ हमारी घर की महिलाओं के साथ मारपीट की। रांची थाना में हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है, हमसे आवेदन लिया गया है और आधारताल थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही कहना है कि मुझे एसपी सर से कार्रवाई चाहिए, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ तो आपके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से तो यही कि जो मेरे भाई के साथ घटना घटी है वो कंपनी के लड़कों से या सेठ से, कंपनी के अंदर ही घटना घटी है। पनागर में 4-5 दिन पूर्व एक जो है वो अज्ञात जो है वो लाश मिली थी नहर में पानी में, जिसके ऊपर जो है वो मर्ग कायम किया गया था और यादव फैमिली का वो मेंबर था जिसे दफनाया गया। बाद में जब उसके परिवारजनों ने गुम इंसान के आधार पर जो इसकी शिनाख्त की गई थी उन फोटोग्राफ्स के आधार पर शायद उसे पहचाना है, तो फर्दर कार्रवाई के लिए ही वो जो है लाश निकाल के देखी जा रही है कि अगर वो गुम इंसान जो है वो दस्तियाब हो जाता है तो पुलिस की दोनों ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो सफल हो पाएंगे। पनागर पुलिस ने युवक के परिजनों को जांच करने का आश्वासन दिया है, साथ ही मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है।